जय श्री कृष्णा गाइस। गाइस आज हम आपको दर्शन कराएंगे मनगढ़ का, और उसके बीच में पढ़ने वाला है प्रतापगढ़ में बेल्हा माता जी का मंदिर है। और हम सबसे पहले बेल्हा माता जी के मंदिर के दर्शन करेंगे और आपको उसका व्यू दिखाएंगे कैसा होता है। वो गोमती नदी के किनारे बना हुआ है, प्रतापगढ़ में है। इसी बेल्हा माता जी के मंदिर के नाम पर ही प्रतापगढ़ जंक्शन का नाम चेंज करके बेल्हा माता जंक्शन कर दिया गया था। हमें दर्शन बहुत अच्छे से प्राप्त हुआ, आप भी उसके दर्शन करिए। जय श्री कृष्णा। ये है बेल्हा माता जी का प्रांगण जहां हम लगभग 12 बजे के आसपास पहुंच गए थे, और काफ़ी ज़्यादा धूप हुई थी यहाँ पर और भीड़ भी काफ़ी कम थी क्योंकि दोपहर का समय था। माता जी के मंदिर में एक मान्यता है, लोग यहाँ पर अपनी इच्छाओं को लेके आते हैं और चुंदरी बांधते हैं और चुंदरी से माता जी से प्रार्थना करते हैं क्योंकि इच्छाओं को पूरे करें। हमने गोमती नदी के किनारे का व्यू लेना भूल गए क्योंकि धूप काफ़ी थी, और आप जानते ही हैं कि नदी के किनारे जो पत्थर होते हैं वो धूप में काफ़ी जलते हैं, तो हमने वो पिक नहीं लिया। हम बाहर का वीडियो दिखा रहे हैं क्योंकि अंदर हमें मना किया गया था फ़ोटो लेने के लिए माता जी का। गाइज हमने माता जी का दर्शन कर लिया है और अभी हम मनगढ़ में पहुंच गए थे। हमें पहुंचते पहुंचते वहाँ से लगभग 1.5 घंटे या 2 घंटे लग चुके थे, और इसी टाइम में इस मनगढ़ का दर्शन करना बहुत ही अच्छा व्यू होता है क्योंकि शाम के समय ही लाइटें स्टार्ट की जाती हैं और इसका टाइमिंग 8 बजे से लगभग बंद किया जाता है लाइट को। शाम में मनगढ़ का दर्शन बहुत ही दुर्लभ होता है, और हमने मेन गेट से एंट्री कर ली थी और ये हम पैदल आ रहे थे। हमारे बगल में भी काफ़ी मोनूमेंट्स थे जहाँ पे अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान रथ पे सवार थे, वो उसका वीडियो आपको आगे मिल जाएगा। और यहाँ से दूर से देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा था ये मंदिर का। हम भक्ति भाव से आगे बढ़ते जा रहे थे, हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि हम कितना चल रहे हैं। काफ़ी बड़ा ही प्रांगण था वहाँ पे और काफ़ी चलना भी पड़ता है वहाँ पे क्योंकि बहुत ही बड़े स्थान में बनाया गया है। शाम के टाइम में यहाँ पे बहुत ही भीड़ होती है, यहाँ पे लोकल पर्सन भी आते हैं और यहाँ पे दूर से दराज भी लोग आते हैं। और ये रहा हमारे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के साथ जब हमें गीता का ज्ञान दे रहे थे कुरुक्षेत्र के मैदान में, और ये झलकियाँ वहाँ के कुछ पार्क में बने हुए कुछ चलचित्र से आप देख सकते हैं। ये हमारा मोर है और श्री कृष्ण भगवान खेल रहे हैं। आपको ऐसा हम पार्क का दर्शन करते करते मेन मंदिर पे पहुंच गए थे। वहाँ पे मेन मंदिर एक ही है बट 2-3 पार्ट में डिवाइड किया गया है मंदिर को, और मंदिर का व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा था। यहाँ पे लाइटें चेंज भी होती हैं, ये भीड़ बहुत थी इसीलिए हमने वहाँ से दर्शन आके फिर से आगे पार्क का दर्शन किया। और ये आप देख सकते हैं शंकर भगवान और पार्वती माता हैं, और बहुत ही अच्छा लाइटिंग की व्यवस्था की गई थी। एक से एक कलाकृतियों से भरपूर है मनगढ़ का मंदिर, और ये राम भगवान और उनकी प्रजा में बैठे कुछ राज्यगण, हमें ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा था। मनगढ़ में मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप शाम के टाइम जाइए 5-6 बजे के आसपास, क्योंकि उस समय उस मंदिर का सबसे बेस्ट व्यू होता है। और मंदिर में कुछ चढ़ावा नहीं दिया जाता है, लोग दर्शन करते हैं और चलते हैं वहाँ से। ये हमारे श्री कृष्ण भगवान और राधा जी के, और ये वृंदावन के कुछ दृश्य हैं वहाँ के बनाए गए हैं, और ये अंदर का व्यू बहुत ही अच्छा था, देखने में बहुत अच्छा लगता है। कैमरे में उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं पाया, और सबसे अच्छा व्यू जो मुझे मिला था वो श्री कृष्ण भगवान ने जब कालियानाग का ऊपर दांश किया था, और वहाँ पे ये काफ़ी अच्छी तरीके से दर्शाया गया है और काफ़ी विचित्र फील होता है और काफ़ी मनमोहक है ये दृश्य। ये मनगढ़ में मंदिर का नाम भक्ति मंदिर है, और इसी के ये बाद में बना था, इसके पहले वृंदावन में प्रेम मंदिर बन चुका था। ये इस्कॉन ट्रस्ट से जुड़ा हुआ मंदिर है और इस्कॉन ट्रस्ट वाले ही इसको चलाते हैं। व्यू देखिए आप कालियानाग का, कितने अच्छे से दर्शाया गया है। श्री कृष्ण भगवान इसके ऊपर हैं, वो नृत्य कर रहे हैं और मनमोहक नृत्य कर रहे हैं। और इधर पास में बहुत ही भीड़ थी तो हम लोगों को बहुत पीछे दर्शन करना पड़ा मिला था। आप एंजॉय करिए दृश्य को, हम मिलते हैं आगे वीडियो आगे।
जहाँ हमें वीडियो फुटेज अच्छी नहीं मिली हमने पिक्स ली हैं, और आप पिक्स को एंजॉय करिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ऐसे आगे आने वाले कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। अभी हम वैष्णो देवी जा रहे हैं, वहाँ के भी दर्शन आपको कराएंगे बहुत ही अच्छे से। उसके बाद केदारनाथ भी जाना होगा हम लोगों का। जय श्री कृष्ण।